हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं बंगाल 1947 के ट्रेलर पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं इसके ट्रेलर पे एंड लेट्स एंजॉय द ट्रेलर। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था। पार्टीशन थीम पे है ये। जोगिंदर नाथ मंडल जैसे नेता हमारे साथ है। नेहरू, गांधी, पटेल या मुखर्जी के साथ न चलकर हम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चलेंगे और हम बनाएंगे पाकिस्तान। जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। जोगिंदर बाबू गलती कर रहे हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जिन्ना के साथ नहीं जा रहे। आप बिल्कुल राम जैसे लगते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी मूवी लो बजट लग रही है। पहचाने हुए चेहरों में सिर्फ देवलीना दिखाई अभी। छुट्टों के साथ रह रहा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा इसने। हमें घृणा के आधार पर बना हुआ देश आगे चलकर संघर्ष जरूर करे। श्री राम और सीता माँ के साथ जो अन्याय समाज ने किया, कलयुग में वो हम अपने साथ दोहराने नहीं देंगे। मोहन बाबू, आप राम नहीं हो। बंगाल 1947 था ट्रेलर बंगाल 1947 का भी। ये बंगाल से रिलेटेड बहुत सारी मूवी आ रही है। अगर आपने डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर नहीं देखा तो वो भी देखिए, वो बहुत धांसू ट्रेलर है। उस पर हमने ऑलरेडी रिएक्ट किया, इधर कहीं पे आ रहा होगा या आप प्ले लिस्ट में से जाके देख सकते हैं। वो बहुत सही है, वो अभी के करंट सिनेरियो पे है। अभी जो वहां पे दीदी का शासन चल रहा है और जैसा चल रहा है उसके उस पे है। और ये वाला तो मेरे ख्याल से जो बंगाल 1947 था ये तो पार्टीशन के टाइम का है, तो ये ठीक ठाक है। थोड़ा लो बजट मूवी है। देवलीना का बस भट्टाचार्य जो है उनका एक चेहरा बस थोड़ा सा देखा हुआ लग रहा है, बाकी सब नए नए एक्टर्स हैं इसमें, तो देखना तो चाहिए। देखिए एक बार को चांस देना चाहिए तो देख सकते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा मैसेज हो। और दैट बीइंग सेड मेरे को तो सही लगा। आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियोज देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।